फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी डिफरेंट तरीके से बनी हुई टमाटर वाले बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा, एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो बार बार बना के खाएंगे। और ये मैं टमाटर के साथ बनाऊंगी और ये पराठे के साथ, पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। वेलकम बैक टू माई चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं बैंगन। ये बैंगन 1/2 kg हैं और इसको मैंने काट के पानी में भिगो दिया है। अगर पानी में हम नहीं भिगोते हैं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। तो जब भी आप बैंगन काटिए तो पहले उसको पानी में आप डाल दीजिए काटने के साथ ही। अगर आप पानी में डालेंगे तो हमारे बैंगन काले नहीं पड़ेंगे, तो ये टिप्स भी है आपके लिए। तो अब आगे रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं। इसके लिए हमने ये लिया है चॉप किए हुए चिली, जिंजर ग्रेट किया हुआ और ओनियन चॉप किया हुआ, और कूट के मैंने गार्लिक लिया। ये मैंने कुछ लौंग और काली मिर्च, जो कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। ये मैंने 3 टोमेटो लिया है। ये सब्ज़ी हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाला था और जो मैंने लौंग और यहाँ पे लिया था वो पहले डाल दिया ताकि ऑयल के अंदर फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ओनियन और जिंजर गार्लिक सब कुछ ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसको हमें भूनने के बाद, इसको जब हम भून लेंगे फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे गैस को लो फ्लेम पे करके। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दिया है। हल्दी ऐड करने के बाद यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला मैं ऐड करूँगी। सब्ज़ी मसाला मैंने एवरेस्ट का लिया है, आपके पास जो हो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने रेड चिली ऐड किया है। अब इसको लो फ्लेम पे ही हमें मसाले को भून लेना है। मसाले को तब तक भूनना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे हींग डाल दिया है क्योंकि बैंगन है तो हींग ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि बैंगन थोड़ा गैस करता है। और यहाँ पे जो मैंने टोमेटो लिए थे उसे चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे टोमेटो को हमें गलने तक पकाना है, तो एक बार हम इसे कवर कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम साल्ट को ऐड करेंगे ताकि टोमेटो आसानी से गल जाए। साल्ट को ऐड करने से टोमेटो जल्दी और गल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं टोमेटो, ऑयल भी छोड़ दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे बैंगन को ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बैंगन ऐड कर रहे हैं। बैंगन को ऐड करने के बाद फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें हमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसी तरह से इसको कवर कर देना है। साल्ट हमने पहले भी डाला था, उसके हिसाब से मैंने बाद में थोड़ा और ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसे मिला लेंगे और फिर हम इसे कवर कर देंगे। इसको कवर करके हम एक से दो तीन मिनट पकाएंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बिल्कुल गलने लगा है, और यहाँ पे पानी जो बैंगन का होता है उसी से ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं। और उसके मिक्स करने के बाद एक बार हम फिर से कवर इसको करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाए। तो अभी नहीं हुआ है ये, तो अभी हम एक बार और कवर करेंगे। और यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला का यूज़ किया है, तो इसको बाद में हमें यूज़ करना है, किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक बार फिर से हम इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पका लिया है। और एक बार कवर करेंगे फिर से, और ताकि अच्छे से मसाले के अंदर से चला जाए। और फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे और फिर से देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से हमारी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी सी हो गई है, देखिए आप। और इसके बाद ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, तो मैं सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को सर्व कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और
कितनी अच्छी बनी है। और इस सब्ज़ी को आप पराठे के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पराठे पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है, एकदम मेरा तो बहुत फेवरेट है। एक बार आप भी बनाइए, आपका भी फेवरेट हो जाएगा। और आप इतना टेस्टी बनता है कि एक पराठे के जगह पर आप दो तीन पराठे खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स फैमिली में, और लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर।